bewaja ab tumse hum mil rahe kyun hain. She has just landed Siraj and Kumar. Jaldi aa jao bhai saab. Main ghar mein bilkul akela hoon. What? Maya kahan hai? Chali gayi. Kahan? Kyun? Come on, Faris. Jisko jana ho, usse ye nahi poochte kahan ja rahi ho, kyun ja rahi ho. लेकिन सिराज अंकल, मैं तो उसकी सारी बातें मान गया था. बस यही कहा था कि संडे को चले जाना. देखो जरा, तुम्हें अफसोस है भी तो किस चीज का? जाने पे मुसर हो उसको सिर्फ यही बंदा कह सकता है, संडे को चले जाना. अच्छा है, अच्छा है. आई लाइक दिस स्पिरिट. अच्छा ना, घबराओ मत, मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी, कुछ ही दिनों के लिए आई. धमकी दे रही हो? नहीं, तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हें खुशखबरी दे रही हूँ. मैं सिर्फ 3 दिन रुकूंगी, प्रॉमिस. नहीं चलो, अगली संडे तक तो रुकना पड़ेगा तुम्हें. तो मुझे सच में रुकने का कह रहे हो? नहीं नहीं, घर में कोई फंक्शन होने वाला है इसलिए रोक रहा हूँ. समझो, इनवाइट कर रहा हूँ तुम्हें. फंक्शन? पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं अचानक पहुंच गई हूँ तो जबरदस्ती इनवाइट कर रहे हो मुझे. अब तो कसम ले लो फारिस चावला, मैं 3 दिन से ऊपर नहीं रुकूंगी. रुकना तो पड़ेगा स्वीट हार्ट. जाने के लिए कहूंगा भी तो तुम नहीं जाओगी. अरे वाह, कितनी खुशफहमी. माया घर पे नहीं है क्या? पार्ट टाइम फ्लर्ट कर रहा है. माया घर पर नहीं है. फारिस, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? पता नहीं सब ठीक है या फिर सब ठीक होने जा रहा है. क्या होने जा रहा है? समथिंग न्यू, जो तुमने पहले कभी देखा नहीं. मुझे डरा रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हें डरा रहा हूं. देखो, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है, तुम मुझे बता दो क्या बात है, वरना मैं बोलूंगी गाड़ी रोको. ये लो, गाड़ी रोक दे. बताओ ना क्या बात है, बताओ ना. मैं गाड़ी से नहीं यार, रुको. तो बोलो ना. अरे हम दोनों में तलाक होने वाली है.
कहाँ है वो? ऊपर कमरे में। तुमने पूछा है उससे? पूछा, कोई जवाब नहीं दिया उसने। तुमने उसको बताया नहीं कि उसको जवाब देना होगा? जवाब ना देने का मतलब समझते हैं ना? मतलब वो अपना फैसला नहीं बदलेगी। कैसे नहीं बदलेगी फैसला? शादी को इस तरह तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब आप कुछ नहीं कर सकते पापा। जी हाँ, ये बच्चों का खेल है, उसके लिए है ये बच्चों का खेल। जो खेल वो खेल चुकी है, अब जरा रेस्ट टाइम है। तो वो आ गई आपके पास, इसलिए अगर आप उसे डांटेंगे तो वो रोएगी, जिद करेंगे तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। कहाँ? बोलो, कहाँ जाएगी वो? बाप और शौहर के घर के अलावा कोई और घर है उसके पास? किसका घर है? बोलो, कौन है वो? सैफ। वो खबीस। गॉड। कुछ गलतियां तुम्हारी भी तो होंगी। हाँ, जरूरत से ज्यादा हर चीज गलत होती है। तुम्हारे किस्से में जरूरत से ज्यादा क्या था? जरूरत से ज्यादा मोहब्बत। लेकिन अब पता चल गया है कि जरूरत से ज्यादा मोहब्बत की ज्यादा जरूरत नहीं होती। फारिस, क्या मतलब? चीज भी सिंपल। सिंपल ये है कि वो घर छोड़कर चली गई है। She does not want to continue this relationship. पर क्यों? तुमने ऐसा किया क्या है? बता तो रहा है। जरूरत से ज्यादा मोहब्बत। उसे मोहब्बत नहीं चाहिए क्या? मोहब्बत के लिए शी इज शॉपिंग फ्रॉम समवेयर एल्स। व्हाट? व्हाट? तुम कॉफी पियो ना, बाद में करते हैं बातें। बाद में क्यों? मेरे सर पर बम फोड़ कर कह रहे हो कि कॉफी पियो? ये रही सामने पड़ी है कॉफी, मैं नहीं पीऊंगी। कम ऑन दारिया। फारिस, आर यू ऑलराइट? तुम्हें क्या हो गया? तुम पत्थर के बन गए हो क्या? तुम्हारा घर टूट रहा है और तुम मुझे चमकार कर कह रहे हो कम ऑन दारिया। तो मैं क्या करूं दारिया? उसने मेरे सामने डट कर कहा कि उसे सैफ से दोबारा मोहब्बत हो गई है, मुझसे डिवोर्स चाहिए उसे। तो मैं क्या करता? उसे याद दिलाते, उसे तुमसे भी तो मोहब्बत थी ना। वो तो सैफ से बदला लिया था उसने। दोनों में ब्रेकअप हुआ तो उसने मुझसे कह दिया कि तुमसे मोहब्बत हो गई है। यहां मुझसे गलती हुई, मैंने सिराज अंकल की बात नहीं मानी। खैर, मैं सोने जा रहा हूं। गुड नाइट। फारिस, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सिंपल तो है, माया तलाक मांग रही है, वो तलाक दे रहा है। तुम क्यों इस गम में तड़प रही हो? मैं तो हैरत से मर जाऊंगी। हैरत? किस बात की? किस बात की है? मैं सिर्फ 6 महीने बाद आई हूँ सिराज अंकल, मुझे लग रहा है आप दोनों पत्थर के बन गए हैं। उन दोनों के बीच तलाक हो रही है, वो सोने चला गया है और आप आराम से यहाँ बैठे पाइप पी रहे हैं।
सोने गया है पर सोएगा नहीं, दुआ करो कि सो जाए। जागने के लिए भी नींद भरकर सोना जरूरी होता है। मैं माया से मिलना चाहती हूँ। हाँ जरूर मिलो, लेकिन मिलकर करोगी क्या? गलती कर रही है ना सिराज अंकल, जाहिर है समझाऊंगी उसे। ये तुम्हें लगता है कि वो गलती कर रही है, उसे ये लगता है कि वो अपना हक ले रही है। अच्छा तो हक में ये है, जानवी में फारिस से मोहब्बत हो जाए और सितंबर में दोबारा सैफ से मोहब्बत हो जाए। ये तो वक्त बताएगा दारिया। तक वक्त बताएगा सिराज अंकल, वक्त निकल गया होगा। हाँ तो मान लो कि वक्त उसके हाथ में नहीं है। बार बार मोहब्बत करने वालों के पास चंद दिन ही तो होते हैं, वक्त कहाँ होता है उनके हाथ में। जाओ तुम भी जाकर सो जाओ। I want to see someone in this house get good sleep tonight. मैं वहां से भाग कर नहीं आई हूं। आने से पहले उसे बता दिया था कि मैं उसके घर से जा रही हूं और ये भी कह दिया था कि तुम आ गए हो और मुझे शिद्दत से याद आने लगे हो। उसने रोका नहीं? नहीं, वो हम दोनों की मुलाकातों के बारे में जानता था। बोला कि मैंने तुम्हें तब नहीं रोका तो अब क्यों रोकूंगा। I don't believe him. वो ऐसा ही है, किसी से हार जाए तो जीतने वाले को मुबारकबाद देता है। याद आ रहा है? उसे भूल नहीं सकती। He was my husband. वो मुझे अच्छा लगता था पर मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी। लेकिन सुनो, मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसके घर में चोरी की। वो तो की है तुमने, लेकिन सोचो तो तुमने क्या चुराया? अपनी माया को चुराया तुमने, और माया को तुमसे चुरा कर ले गया था। और तुम्हारे पापा वो क्या कहेंगे? वो तो मुझे देखेंगे और बोलेंगे। पिछली बार कहा था तो मुझे भी लगा था तुम ऐसे ही हो, तब मैं चुप रही थी। अब की बार कहेंगे तो चुप नहीं रहूंगी। लेकिन मैं डरता हूं उनसे। He's such a good lawyer, you know. Barrister, नामदार, मिर्जा। ऐसी ऐसी बातें करते हैं पैरों तले जमीन निकल जाती है। कोई कितना ही बड़ा लॉयर क्यों ना हो, मोहब्बत को दलीलों से हरा नहीं सकता। मुझे तो वो नहीं हरा सका जिसने मोहब्बत के सारे कानून पढ़े थे। मैंने तो बस यही कहा उससे कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हुई फारिस, और वो लाजवाब हो गया। कोई आया है शायद। कौन? पता नहीं कौन, पापा होंगे। फारिस देखो मैं अंदर आ रही।
जाओ बेटा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि फारिस अच्छा लड़का नहीं है? वो तो तुम घर छोड़कर आ गई तो समझ में आई कि तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। हम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा पापा, नथिंग गुड नथिंग बैड, और मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा वो अच्छा लड़का नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लड़कियां चाहे किसी बड़े खानदान से हों, वो तो दुआएं करती हैं कि जिस लड़के से उनकी शादी हो वो कैरेक्टर का अच्छा हो, केयरिंग हो, प्यार करता हो। Is he not caring? No, Papa. ये भी होता है, मतलब अपनी मर्जी की शादी करो और फिर पता चले कि आप प्यार नहीं करते तो होता है पापा। पहले वक्तों में लड़कियां चुप रहती थी, गुजारा कर लेती थी, अब नहीं करती शायद। गुजारा नहीं बेटे, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस करती थी। मर्द भी सैक्रिफाइस करते थे। मेरी तरफ देखो, आई एम अ सक्सेसफुल लॉयर। अगर मैं चाहूं तो एक छोटी उम्र की लड़की से शादी कर सकता हूं और तुम्हारी माँ से कहूं कि अब तो मुझे आपसे मोहब्बत नहीं रही। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं जानता हूं एक आदमी के सैक्रिफाइस करने से घर बनता है और सबके सैक्रिफाइस करने से माशरा। एक दफा मैंने तुम्हारी माँ से पूछा था कि एक औरत एक ही मर्द के साथ अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजार देती है, तो उसने मुस्कुरा कर कहा, एक खुदा को मानने वाली औरत जब एक मर्द को मान लेती है दूसरे मर्द का कभी ख्याल भी नहीं आता। तो तुम्हारे केस में क्या है? मैं पहले भी उसी से मोहब्बत करती थी पापा, फारिस को मालूम था। वो तो मुझे भी मालूम था। तो क्या तुम्हारी मोहब्बत में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सैफ के आने का इंतजार कर लेती? तो फिर ये पार्ट टाइम शादी की क्या जरूरत थी? क्या मैं घर छोड़कर चली जाऊं? बेटे तुम वापस अपने घर चली जाओ, प्लीज उन लड़कियों को मत ज्वाइन करो जिनसे डर लगता है कि वो माशरे की धज्जियां उड़ा देंगी। आप गुस्सा कर रहे हैं ना, तो मैं उठकर चली जाती हूं। देखो बेटा देखो, इस तरह नहीं, आराम से बैठ कर सोचो, ठंडे दिल से। मैं जानता हूं गुनाह का इख्तियार है तुम्हें, लेकिन हर गुनाह का हिसाब भी देना होता है। मैं आर्टिफिशियल जिंदगी नहीं गुजार सकती पापा, इसलिए ना उसके सामने झूठ बोला है ना आपके सामने। जिसको हमसफर नहीं मानती उसके साथ नहीं चलूंगी। हर साथ छोड़ने वाले के पास यही दलील होती है, और जब कोई आपको छोड़ते हुए यही बात कहे तो ये दलील नहीं होती। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बेवफाई हुई है। माया, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत प्यार करता है तुमसे। अगर मोहब्बत नहीं रही तो मोहब्बत का भरम ही सही। वापस चले जाओ बेटा, प्लीज प्लीज वापस चले जाओ, अपने घर चले जाओ बेटा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ पापा, आपको मेरा फैसला बुरा लग रहा है तो बता दीजिएगा, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। I was just waiting for you. आओ, नाश्ता तैयार है।
फारिस कहाँ है? ऑफिस। क्या नाश्ते के बगैर ऑफिस चला गया? अरे नहीं यार, पूरे 2 फ्राई अंडे, 3 स्लाइस ब्रेड, एक जूस का ग्लास और मग भर के चाय पी कर गया है। मैं तो हैरान हो रहा था देख देख के। मैं तो सुन के हैरान हो रही हूँ। इज ही ऑलराइट? ऑलराइट मतलब? मतलब उसकी डिवोर्स होने वाली है। इस तरह खाएगा पिएगा, मुझे तो लगेगा उसको कोई कमी नहीं। जी गैस, मैंने सिखाया। क्या सिखाया? जो हम देकर खुश हो जाए उससे हम लेकर खुश हो जाओ, और जो छोड़ कर जाना चाहे उसे सलाम कहो और कहो कि आप हमारे नहीं जनाब तो हम भी आपके नहीं। इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए किसने कहा था? आपने कहा था सर, पिछली बोर्ड मीटिंग में एजेंडे का मेन्यू यही था। शेयर वैल्यूएशन को कौन मॉनिटर करता है? मैं करता हूं सर। तो आपने बताया क्यों नहीं कि प्राइस गिर रही है? बोलिए सर, पिछले 3 दिनों से आप ऑफिस नहीं आ रहे। मैंने काफी दफा आपको कॉल की मगर आप रिसीव नहीं कर रहे। सराजन को तो फोन उठा रहे हैं ना, तो उन्हें क्यों नहीं कहा? कहा था सर, और उन्होंने यही कहा कि मैंने पहले बताया था कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। जी साहब से कहें कि इनकम स्टेटमेंट की कॉपी भिजवाएं। ओके सर। 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर 4 दिनों में 32 लाख का नुकसान, तो कह रहे छुट्टी कर दो। किसी की नौकरी छीन कर नुकसान पूरा करना बिजनेस एथिक्स नहीं है भाई साहब। दूसरी बुरी खबर सुनाओ। सुनाइए। फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिला। तो किसको मिला? आप लोग, आप लोग बिल्डर्स। Even that is not the end of the world. सब कुछ हमें नहीं मिल सकता। सब कुछ हमें मिल नहीं सकता तो सब कुछ हमसे छीन भी नहीं सकता। कुछ भी हो जाए अंकल, मैं हर चीज हाथ से जाने नहीं दूंगा। हम टेंडर जीत गए हैं सर। इतने कम रेट पर टेंडर कोट करने की वजह समझ नहीं आती सर, और फिर हमारे पास फ्लाईओवर्स कंस्ट्रक्शन का तजर्बा भी नहीं। आप अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को स्टडी करें। वो जब किसी पे बम मारते हैं ना, तो वो ये नहीं सोचते कि ये बम कितने का है, बल्कि वो ये सोचते हैं कि अगले का नुकसान कितना होगा। यस सर। ये फारिस एंड सराज कंपनी के पास एक्सपर्ट टॉप क्लास कितने इंजीनियर्स हैं? मोर देन 5 सर। तो कम से कम उनमें से 2 तो ऐसे होंगे जो बिकने के लिए तैयार बैठे हैं कि उनकी कीमत बढ़ाई जाए और वो बिके। मतलब कीमत बढ़ाओ और खरीद लो, और फिर कभी मत कहना कि हमारे पास तजर्बे की कमी है। जब तक मंडी में बिकने की आरजू और खरीदने की ताकत है तो खरीदार के पास किसी चीज की कमी नहीं होती। I hope you got my point. Yes, sir. तुम्हें मालूम है, कभी कभी मैं दुआ मांगता हूं। हर दुआ में क्या मांगते? ये कि मुझे डोरबेल की आवाज आए, मैं दरवाजा खोलूं और सामने तुम खड़े। पागल हो तुम? यही दुआ को कुछ इस तरह मांगो
डोरबेल की आवाज पर मैं दरवाजा खोलूं, तुम सामने कर। मैं जानता हूं ना, ऐसी किसी दुआ के पूरे होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। हमारे पास आदमी जब ठुकराया जाए तो वही आता है जहां उसने ठोकर मारने की गलती की हो। हंस क्यों रहे हो? मैं उसके आने पर हंस रहा हूं। अब आए तो सही, ठोकर मार के गया था, लात मार के भेजूंगी। मुजना आ रही है। ओके ओके। सुनो मुजना, क्या मजे की खबर है? वो फारिस को छोड़कर आ गई है ना? तो तुम जानती हो? मैं तो ये भी जानती हूँ कि संडे को डिवोर्स फाइनल हो जाएगी। अरे तो खुश क्यों नहीं हो? मैं ये नहीं जानती कि वो डिवोर्स देकर मुझसे शादी करेगा या नहीं। तो और किससे करेगा? दारिया को भूल गई? दारिया? अरे वो सिराज की कुछ लगती है ना? क्या लगती है? पुराने दोस्त की बेटी और फारिस की यूनिवर्सिटी फ्रेंड। हाँ याद आया, कल रात वो यहाँ लंदन से पहुंच गई है और वो फारिस के साथ रह रही है। तुम्हें पापा से मिलना पड़ेगा। तुम्हारी डिवोर्स से पहले मैं तुम्हारे पापा से हरगिज नहीं मिलूंगा। मिलने में क्या हर्ज है? वो गुस्सा नहीं करेंगे, और अगर गुस्सा करेंगे भी तो मेरे लिए बर्दाश्त कर लेना। अच्छा, तुम ये क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारे पापा से मिलके निकलूं? तो अपनी ही नजरों में गिर चुका हूं। मैं भी तो रोज उनका सामना करती हूं। उनकी कई दलीलें सुन के मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। लेकिन जब मैं प्यार को हर तरह से जायज समझती हूं तो उनकी दलीलों को सुनती भी हूं और दलील से जवाब भी देती हूं। और ये भी तो हो सकता है सर कि वो सिर्फ ये पूछें कि तुम माया को खुश रखोगे ना। और ये तो पुराना सवाल है, हर कोई अपने होने वाले दामाद से पूछता है। अरे मैं जानता हूं क्या पूछेंगे वो, पहली मुलाकात याद नहीं है? अब की बार तो बरस पड़ेंगे मुझ पर। तुम जम कर बैठना, हर सवाल का जवाब देना। अच्छा ये बताओ कि मैं क्या कहूंगा जब वो ये पूछेंगे कि क्यों किसी का घर पर बात कर रहे हैं, या फिर क्या कहूंगा जब वो हाथ जोड़ कर कहेंगे कि तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। वो हाथ नहीं छोड़ेंगे। और तुम बस ये समझ के मिलो कि मिलना जरूरी है। मोहब्बत अपनी मर्जी से, शादी अब्बा की मर्जी से। प्लीज सैफ, अब प्यार में कोई कहां सोचता है कि पापा क्या कहेंगे, पापा क्या करेंगे। पर मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और अगर वो गुस्सा करे ना तो उनका गुस्सा सुन लेना, उनकी भड़ास निकल जाए तो हाथ जोड़ के कहना माया के बगैर नहीं जी सकता। देखो हाथ तो मैं नहीं जोड़ सकता, लेकिन ये जरूर उन्हें कह दूंगा माया के बगैर नहीं जी सकता।
एक सेकंड, सॉरी हाँ। हाँ तो ठीक है, तुम पापा से मुलाकात का वक्त डिसाइड कर लो और फिर मुझे बता देना। किसका फोन है? इम्मो है यार, उसकी तरफ जाना था मैंने। अच्छा चलो फिर, बाय बाय। हाँ हाँ आ रहा हूँ यार। अरे सुनो, गाड़ी तक छोड़ा? अभी नहीं। अंकल संडे को मेरी फ्लाइट है, मेरे नए कोर्स की क्लासेस शुरू होने वाली है। तुम कल क्यों नहीं चली जाते? मतलब ये कि जान छुड़ाकर भागने के लिए कल का दिन भी बुरा नहीं है। Now I know you're joking. No, I'm not. अगर वो टूट गया तो मैं अकेला उसे समेट नहीं पाऊंगा। आप उसे जोड़ने की गलती भी ना करें। जो शख्स खुद से जुड़ नहीं सकता उसे टूटने का भी कोई हक नहीं। अगर मैंने आपसे इतनी बातें सीखी, आप इससे एक बात तो सीख लें, मोहब्बत बहादुरों का खेल है, इसमें बुजदिलों को तसल्ली नहीं दी जाती। फिर भी अगर मैं कहूं कि कुछ दिन रुक जाओ तो नहीं रुकोगी क्या? टूटता हुआ नहीं देख सकती। छूटते हुए तो देखोगी ना, तुम संडे को गौर से देख लेना मुझे। अगर डिवोर्स देते हुए मेरी आवाज काम जाए या आंखों में आंसू आ जाए तो कहना तुम बुजदिलो फारिस, टूट मरो। लेकिन उसके बाद अगर उसे याद करके रो पड़ो तो मुझे बुजदिल ना कहना। तो नीले रंग की उस चिड़िया को भी याद करता हूं जो पिंजरा खुलते ही पुर से उड़ गई थी। उस वक्त मैं बस 6 साल का था। तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हें चले जाना चाहिए? तुम मिलो ना फारिस भाई से, उनसे कहो ज्यादा डिसेंट बिहेव करने की जरूरत नहीं है। अगर वो तलाक मांगे तो कह दें, नहीं दूंगा तलाक। पागल हो क्या? माया को जानते नहीं हो तुम? अरे तो कोई उसके सामने भी डट के खड़ा हो ना, पता चले उसे। जानती नहीं है वो फारिस को। मुझे तो अब उनके सामने आने से भी शर्म आती, लगता है कि पूरी फैमिली मुजरिम है। नहीं, मैं तो बात नहीं करूंगी। मैं करता हूँ बात उससे। अरे वो मान भी गए तो पता है क्या होगा? क्या होगा? माया कोर्ट चली जाएगी, इतनी बदनामी होगी कि पापा सदमे से ही मर जाएंगे। सीधी तरह कहो ना, इतनी बदनामी होगी कि फारस सदमे से मर जाएगा। Likewise. पर तो तब भी जाएगा वो, मरना कोई सांसों के थम जाने और लहू के जम जाने का नाम नहीं है। अरे वाह, क्या क्या बातें करने लगे हो तुम। जरा प्यार तो हो जाने दो लड़की, उसे देखना तुम क्या क्या बातें करती हो। शराब टीपू, प्यार में जो होता है ना
देख रही हूँ। मुझे याद है शादी के अगले रोज वो फारिस की बाहों में बाहें डालकर मेरे सामने आई, मुझे देखते ही कहने लगी, हाय मुजना, मीट माय हस्बैंड। दैट हस्बैंड, कितना गरूर था उसके सर में। मुझे लगा उसने मेरी आंखों में मिर्ची डाल दी है। और वो घटिया दो टक्के का दूल्हा मुस्कुराकर इस तरह मुझे देख रहा था जैसे पीतल सोना हो गया। थू है उस पर, कसम से मुझे वो शख्स मिल जाए तो मैं उसके हाथ छू जिसने सोने को पीतल कर दिया। खड़े खड़े फारिस चावला के वकार की धज्जियां बिखेर। मेरे हाथ छू, बेवजह अब तुमसे हम मिल रहे क्यों हैं।